अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन हुसैन और इस वक्त मौजूद हूं प्याज़ा मिलिशिया के मकाम पर फोरम ऑफ अगस्तो के करीब। फोरम ऑफ अगस्तो इस तरफ है और इस रोड के इस तरफ है एक टेंपल, यहां पर हुआ करता था तकरीबन 2 सेंचुरी कबल मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 200 साल कबल यहाँ पर रूमी सल्तनत के उरूज के दौर में टेंपल हुआ करता था। फोरम ऑफ अगस्तो अगस्तस के फोरम का ही एक हिस्सा था और उसके बाद अब ये बाकियात सिर्फ ये रह गए हैं 3 कॉलम्स। तीसरा ये रहा और ये पूरा मकाम वक्त के साथ साथ ये डिस्ट्रॉय होता गया। यहाँ पर नंस ने मॉनेस्ट्री भी बनाई थी, अब इसके सिर्फ आसार बाकी हैं। यहाँ अंदर एंट्रेंस नहीं है क्योंकि ये बहुत खस्ता हाल है और रोमी बहुत प्रेफर करते हैं कि उनके जो भी आसार कदीमा हैं उनकी हिफाजत की जाए और उन्हें मज़ीद किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाया जाए, क्योंकि बहरहाल ये इनकी टूरिज़म के लिए सबसे ज़्यादा अहम है और रोम में टूरिज़म 13% कंट्रीब्यूट करता है इनकी इकोनॉमी में, तो इनके लिए ये बहुत अहम है कि तमाम मकाम सही सालम रहें और उन्हें टूरिस्ट की वजह से किसी किस्म का भी नुकसान ना पहुंच पाए। इसलिए इन जगहों में अंदर जाके तो विज़िट नहीं किया जा सकता रोमन फोरम की नस्बत, मगर ऊपर से इन्हें देखा जा सकता है और यहाँ से भी आप बखूबी से देख सकते हैं और जगह जगह बोर्ड्स हैं जिन पर तारीख लगी हुई है, लिखी हुई है तो वो पढ़ के अगर किसी को दिलचस्पी हो तो वो देख सकता है। और यहाँ पर मैं आपको ये 3 कॉलम्स फिर से दिखाऊँ, ये 3 कॉलम्स जो इस मंदिर के सही सलामत है, जो तकरीबन 2500 साल पहले यहाँ कायम था, ये 3 कॉलम्स हैं और ये बाकी जगह हैं मॉनेस्ट्री वगैरह की जो नंस ने तामीर की थी। छोटा सा ये टेंपल है और उससे भी मुख्तसर हैं इनके बाकियात, लेकिन ये कीमती इसलिए हैं कि बेशक ये 3 कॉलम्स हों मगर ये 3 कॉलम तकरीबन 2500 साल कबल के हैं, तो इनकी नस्बत इन्हें बहुत ख़ास बना देती है और फोरम ऑफ अगस्तस इसी के बराबर में इस तरफ है। मैं नौशीन हुसैन आपसे चाहती हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।